हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। चेतनाज किचन में एक बार फिर से स्वागत है आपका एक नए वीडियो के साथ। तो आज हम बनाने जा रहे हैं काले चने की चाट, जो बहुत ही टेस्टी होती है और बहुत ही क्रिस्पी होती है। खाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है इसको। तो अभी आप सबको पता है कि लॉकडाउन चल रहा है और बाहर की चीज़ें हम नहीं खा सकते, तो सबका मन करता है कि कुछ चटपटा हो जाए। तो आज हम इसकी आपको बहुत ही आसान विधि बताने जा रहे हैं कि आप इसको घर पर बना सकते हो और इंजॉय कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे काले चने लिए, जिनको मैंने उबाल लिया है। ये मैंने दो आलू, जिनको मैंने बॉईल करके और कट कर लिए हैं, और दो हरी मिर्ची, दो मैंने प्याज लिए हैं जिनको मैंने बारीक कट कर लिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चाट बनाना। तो मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई के अंदर थोड़ा सा ऑयल डाल दिया है, रिफाइंड ऑयल। और ऑयल के गर्म होने के बाद मैंने इसके अंदर कुछ राई दाना और जीरा डाल दिया है। और जीरा हमारा ब्राउन होने के बाद में मैंने ये काले चने डाल दिए हैं। तो काले चने मैंने यहाँ पे रात भर के लिए भिगो के छोड़ दिए थे, फिर इनको मैंने 2 से 3 सीटी लगवा ली। तो ये अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं, पक चुके हैं बिल्कुल अच्छे से। तो अब हमें क्या करना है, ऑयल के अंदर इसको अच्छे से लगभग 2 मिनट तक फ्राई करना है। फ्राई करने से क्या होता है, जो काले चने हैं वो उसके जो बाहरी परत होती है, कवर होता है, वो थोड़ा सा हार्ड होता है। तो और जब हम खाएँगे इसको खाते हैं तो ये हार्ड और सॉफ्ट मिलके बहुत ही अच्छा फ्लेवर देंगे मुंह के अंदर। तो इसीलिए हम इसको फ्राई करेंगे। फ्राई करने से बहुत अच्छा क्रिस्पीनेस आता है इसके अंदर, बहुत अच्छा मतलब टेस्ट आता है इसके अंदर। तो मैंने यहाँ पे 2 मिनट तक इनको अच्छे से फ्राई कर लिया है। अब मैंने यहाँ पे बॉईल किए हुए 2 आलू ले लिए हैं और उनको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। आज हम आलू और चने की चाट बनाएंगे, जो बहुत ही टेस्टी होती है। बाजार की चाट भी इस चाट के आगे फीकी लगेगी आपको। ये बहुत ही मज़ेदार होती है, क्रिस्पी होती है, और अभी ये चीज़ें हमारे घर में हर टाइम अवेलेबल भी होती हैं। तो हमें इन चीज़ों से बहुत अच्छी चाट बना सकते हैं अगर चाहें तो। ये देखिए, मैंने इसके अंदर हरी मिर्ची डाल दी है और ये मैंने अपना जो नमक होता है वो डाल दिया है। और अब हम इसके अंदर आधी छोटी चम्मच के करीब ही लाल मिर्ची पाउडर भी डाल देंगे। और ये मैंने थोड़ी सी हल्दी डाल दी है, लगभग 2 पिंच के करीब मैंने यहाँ पे हल्दी पाउडर डाल दिया है। अब हम इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो ये देखिए, मैंने सभी मसाले हैं उनको अच्छे से मिक्स कर दिया है। तो मैंने यहाँ पे गैस का फ्लेम बिल्कुल लो कर रखा है, हाई नहीं रखेंगे। हमें कोई सब्ज़ी नहीं बनानी इसकी, हमें चाट ही बनाना है और इनको थोड़ा सभी चीज़ों को क्रिस्पी रखना है। इसीलिए मैंने यहाँ पे गैस का फ्लेम बिल्कुल लो कर रखा है। अब मैंने इसके अंदर थोड़ा सा 1 छोटी चम्मच के करीब मैंने यहाँ पे धनिया पाउडर डाल दिया और इसको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो ये देखिए, हमारी चाट है वो बहुत ही टेस्टी बन के रेडी होने वाली है। हमारी वीडियो में लगातार बने रहें। तो मैंने सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दिया है, आप देख पा रहे होंगे। अब मैंने यहाँ पर ये 2 पिंच के करीब और अमचूर पाउडर लिया है, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। आप चाहो तो ये इसकी जगह आप चाट मसाला डाल सकते हो, लेकिन अमचूर पाउडर में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। जब भी चाट बनाओ तो उसके अंदर अमचूर पाउडर होना बहुत ही आवश्यक है। तो ये देखिए, अब हम मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं प्याज, और प्याज को मैं अच्छे से इसके अंदर मिक्स कर दूँगी। इसी के साथ मैं यहाँ पर टमाटर डाल दूँगी, दोनों चीज़ें एक साथ डाल दूँगी और इनको अच्छे से मिक्स कर दूँगी। मैंने यहाँ पर गैस का फ्लेम ऑफ़ कर दिया है, क्योंकि हमें प्याज और टमाटर को पकाना नहीं है, सॉफ्ट नहीं करना है, बस इनको क्रंची ही रखना है। इसीलिए मैंने गैस का फ्लेम ऑफ़ कर दिया है। ये प्रोसेस आप चाहो तो दूसरे बर्तन के अंदर भी कर सकते हो, इनको निकाल के आलू को और काले चने को, लेकिन मैं कढ़ाई के अंदर ही इनको सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दूँगी। तो ये देखिए, मैंने सभी चीज़ें अच्छे से मिक्स कर दी है, बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है इसके अंदर। तो ये देखिए, हमारी चाट है वो बिल्कुल अच्छे से रेडी हो चुकी है। लेकिन अभी हम इसके अंदर डालेंगे टमेटो केचप। तो ये देखिए, मैं यहाँ पे 2 छोटी चम्मच के करीब यहाँ पे टमेटो सॉस डालूँगी और इसको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। बहुत अच्छा फ्लेवर आता है टमेटो सॉस से, और आप सबको पता है चाट के अंदर ये चीज़ आवश्यक होती है, ज़रूरी होती है। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है चाट के अंदर, हमारी चाट के अंदर। तो ये देखिए, चाट का कलर से ही आपको पता लग रहा होगा कि कितनी टेस्टी चाट बनी है हमारी, बहुत ही स्वादिष्ट बनी है। तो चलिए, मैं इसकी प्लेटिंग कर लेती हूँ। तो मैंने प्लेट के अंदर इनको डाल दिया है और ऊपर से मैंने थोड़े से प्याज टमाटर और थोड़ा सा हरा धनिया भी डाल दिया है। और ये हमारी चाट है वो खाने के लिए हो चुकी है रेडी, जो बहुत ही टेस्टी बनी है, बहुत ही मज़ेदार बनी है। आप एक बार जरूर ट्राई करना, इस चाट को बहुत अच्छी बनती है।
ये देखिए कितनी अच्छी बनी है, खाने में बहुत ही मस्त है। तो आप अगर इसको बना के खाएंगे तो बाहर की सभी चाट भूल जाएंगे और इसको ही बना के खाएंगे। फटाफट बना सकते हैं, पूरी फैमिली को खिला सकते हैं, सबको बहुत पसंद आती है ये चाट। तो ओके फ्रेंड्स, आप इस लॉकडाउन में इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना, बहुत अच्छी बनती है, सबको खिलाना, क्योंकि सभी का जी मन करता है इनको खाने का, चटपटी चीज़ों को खाने का। तो ओके फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब और उसके पास में जो घंटी का निशान है उसको ज़रूर दबा देना, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। और लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।